फ्रेंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से बनकर ज़बरदस्त सी टेस्टी से बनकर तैयार हुई है। तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो प्लीज़ देखने के साथ साथ मेरी वही रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दाल की रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में जो है 1.5 चम्मच ऑयल का शामिल कर लिया है, और इसमें मैंने जो है 2 मीडियम साइज के प्याज देनी है, उनको कट कर लिया, तो इसको शामिल कर दूंगी। तो प्लीज़ आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। इसमें जीरे का भी 1 चम्मच शामिल कर लिया है। फ्राई हो चुके हैं तो मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, तो मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, तो इसको शामिल कर दूंगी। तो चलिए अब जो स्पाइसी जाने वो देख लेते हैं। तो देखिए स्पाइसी में मैंने जो है ना बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, कोई खास नहीं जाएगा। इसमें 1 टेबल स्पून उसमें मैंने कुछ धनिया पाउडर ले लिया है, और 1 टी स्पून उसमें मैंने नमक ले लिया है, 1 टी स्पून उसमें मैंने गर्म मसाला पाउडर ले लिया, 1/2 टी स्पून उसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया, 1/2 टी स्पून 1 टी स्पून उसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है, और 1/2 टी स्पून उसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं, जितना नमक मिर्च आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के। तो चलिए अब इसमें मैंने जो है ना 2 टमाटर ले लिए हैं, और सब्ज़ मिर्ची 3 से 4 ले लिए हैं, उनको भी ऐड कर लूँगी। थोड़ी मिर्ची जो है वो थोड़ी सी ऐड कर लूँगी, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर लिया है। तो अब इसमें 1 पाव जो है दाल में ले लूँगी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले जो है भिगो के रख लिया था। देखिए दाल को भी अच्छी तरीके से मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें तकरीबन 1 लीटर जो है पानी चला जाएगा, तो 1 लीटर जो है पानी मैंने ऐड कर लिया। तो अब इसको जो है वेट लगा लेंगे 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि दाल मैंने ऑलरेडी पहले भुगो के रखी हुई थी, इस वजह से 5 से 6 मिनट जो है वेट जो है वो इनफ है। 5 मिनट हो चुके हैं, वेट मैंने इसका जो है ना उतार लिया, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से दाल बन चुकी है। तो अब इसमें मैंने क्या ऐड करना है, तो अब इसमें मैं जो है ना 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर लूँगी। तो 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर लिया, और क्या मैं ऐड करूँगी, और इसके साथ जो है सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर लूँगी, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से लुक देता है। तो अब इसको डिश आउट कर लूँगी। तो चलिए अब मैं अपनी प्लेट में डिश आउट कर लूँगी इसे। बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह से चने की दाल की रेसिपी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। चने की दाल बड़ी ही मज़े की बनी है, तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप बनाइएगा तो बड़ी मज़े की बनेगी। तो आप बनाएं, अपने बच्चों अपनी फैमिली को भी बना कर दें, इन्जॉय करें। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी चने की दाल की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी प्लीज़ करें। मुझे तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।